हेलो फ्रेंड्स, आपका रोडिचन स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीएमए इंटरमीडिएट में से फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट में से बेल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में से जून 2014 वाला सम। ओके, यहाँ पे उसमें से फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन है, उसका बी पार्ट है। ओके, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि भाई बिग ऑस फास्ट रुपीज़ 12,000 रुपीज़ फॉर विच द फॉर्मर एक्सेप्ट अ 3 months बिल ड्रोन बाय लेटर। ओके, एंड यहाँ पे कहने का मतलब है कि भाई बिग को फर्स्ट को पेमेंट करना है 12,000 रुपीज़ का। ओके, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट ने एक बिल ड्रॉ किया है जिसको बिग ने एक्सेप्ट कर लिया है, 3 month का बिल है। ओके, चलिए बाद में क्या किया, फर्स्ट ने इस बिल को फास्टली डिस्काउंट करवाया है, उसकी बैंक है स्ट्रॉन्ग बैंक। ओके, 12% डिस्काउंट का चार्ज है पर एनम का। ओके, तो चलिए इसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पुट कर देते हैं कि भाई बिग को जो कुछ भी बिग ने यहाँ पे फर्स्ट को बिल्स दिया है, मतलब कि फर्स्ट का बिल एक्सेप्ट किया है, उसकी एंट्री हम सबसे पहले पास आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे फर्स्ट की बुक में जनरल एंट्रीज पास आउट की है। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट को बिल मिल रहा है इसलिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बिग अकाउंट। किससे में रिसीव हुआ है, बिग से रिसीव हुआ है, कितने वैल्यू है 12,000 रुपीज़ की। ओके, बाद में यहाँ पे जो कुछ भी इस बिल को डिस्काउंट करवाया है उसकी एंट्री यहाँ पे मैंने पास आउट नहीं की है, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी इंटरेस्ट बिग के अकाउंट के रिलेटेड है वही यहाँ पे पास की है, क्योंकि यहाँ पे हमको आंसर में बिग का अकाउंट प्रिपेयर करना है। ओके, किसकी बुक में, कि भाई फर्स्ट की बुक में। ओके, इसलिए बिग के अकाउंट के रिलेटेड जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है वही यहाँ पे मैंने पास आउट की है। ओके, तो चलिए हम बैंक की अकाउंट में यदि हमको इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, यहाँ पे हमको क्वेश्चन में कौन से इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है वो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि भाई जनरल एंट्रीज हमको पुट करनी है इन द बुक्स ऑफ थिन के बुक, ए थिन जो कुछ भी फास्ट का क्रेडिटर है, दूसरी हमको एंट्रीज पास आउट करनी है स्ट्रॉन्ग बैंक की बुक में, एंड तीसरी यहाँ पे हमको बिग का अकाउंट प्रिपेयर करना है इन द बुक्स ऑफ फर्स्ट की बुक में बिग का अकाउंट प्रिपेयर करना है, इसलिए हमने फर्स्ट की बुक्स में सबसे पहले जनरल एंट्रीज पास आउट की है जिससे हमको बिग का अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए इजी रहे। ओके, तो चलिए ये बिल को डिस्काउंट करवाया है उसकी एंट्री बैंक अपनी बुक में क्या करेगी। ओके, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे देखिए बैंक कैसे एंट्रीज पास आउट करती है कि भाई बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट करती है 12,000 रुपीज़ से। ओके, यहाँ पे देखिए 12,000 का बिल है, उसका हमको 12% करना है, 3 month का बिल है। ओके, तो 12,000 मल्टीप्लाई बाई 12% मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो डिस्काउंट की वैल्यूएशन हमको मिलेगी 360 रुपीज़। ओके, तो ये 360 रुपीज़ डिस्काउंट के कट करने के बाद में फर्स्ट के करंट अकाउंट में कितने रुपीज़ क्रेडिट करेंगे कि भाई 11,640 रुपीज़। ओके, तो चलिए ये तो बिल को डिस्काउंट करवाया है उसकी एंट्री यहाँ पे बैंक की बुक में पास आउट कर ली है। अब दूसरी हमको क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई वो देख लेते हैं कि भाई ऑन द ड्यू डेट द बिल इज़ डिसऑनर्ड एंड बैंक स्ट्रॉन्ग बैंक पेस रुपीज़ 40 एज ए नोटिंग चार्ज। ओके, कि भाई ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर हो चुका है एंड बैंक को 40 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ा है एज ए नोटिंग चार्ज। ओके, तो यहाँ पे बैंक की बुक में हम नोटिंग चार्ज की इन्फॉर्मेशन पुट कर देते हैं। ओके, तो ये नोटिंग चार्ज एक्सपेंसेस है इसलिए उसका अकाउंट डेबिट कर दिया है 40 रुपीज़ से टू कैश अकाउंट। ओके, यहाँ पे बैंक ने पेमेंट किया है 40 रुपीज़ का। दूसरी एंट्री हम कौन सी पास आउट करेंगे कि भाई फर्स्ट के करंट अकाउंट में हम कितने रुपीज़ डेबिट कर लेंगे कि भाई बिल डिस्काउंट करवाया था उसकी वैल्यूएशन कितनी थी बिल की 12,000 रुपीज़ की, प्लस नोटिंग चार्ज की कितनी इन्फॉर्मेशन ऐड कितने रुपीज़ ऐड करेंगे 40 रुपीज़, इन दोनों को ऐड करके फर्स्ट के करंट अकाउंट में से 12,040 रुपीज़ हम डेबिट कर लेंगे। ओके, चलिए ए बिल डिसऑनर हुआ है तो उसकी हम एंट्री फर्स्ट की बुक में कैसे करेंगे वो भी यहाँ पे हम देख लेते। तो यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन पुट की है, एंट्री पास आउट की है, बिग अकाउंट डेबिट की है। यहाँ पे देखिए, जब बिल रिसीव हुआ था तब हमने बिग का अकाउंट क्रेडिट कर दिया था, मतलब कि उससे पेमेंट सेटल हो चुका है इसलिए उसका अकाउंट क्रेडिट कर दिया था, क्लोज कर दिया था। पर यहाँ पे उसने मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट नहीं किया है इसलिए उसका अकाउंट हमको फिर से ओपन करना पड़ेगा, वो हमारा फिर से डेटर बन जाएगा, इसलिए बिग का अकाउंट डेबिट किया है
टू स्ट्रॉन्ग बैंक अकाउंट। यहाँ पे देखिए मैच्योरिटी डेट पे हमारे पास बिल तो है नहीं क्योंकि उसको तो हमने डिस्काउंट करवा दिया था ओके, पर मैच्योरिटी डेट पे बैंक को भी पेमेंट नहीं मिला इसलिए यहाँ पे हमको बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा ओके, इसलिए यहाँ पे हमने टू स्ट्रॉन्ग बैंक अकाउंट लिखा है। उसका अकाउंट क्रेडिट किया है 12,040 रुपीज़ से। यहाँ पे देखिए नोटिंग चार्ज भी हमको हमें बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा ओके। यहाँ पे देखिए हमारा भी कोई फॉल्ट नहीं था इसलिए हम किससे वसूल करेंगे, बिग से वसूल करेंगे, इसलिए उसके अकाउंट में भी हमने 12,040 रुपीज़ डेबिट कर दिए है ओके। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि भाई बिग से कैसे पेमेंट सेटल हुआ है उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दी होगी ओके। तो यहाँ पे देखिए बिग ने पेमेंट किया है 2,360 रुपीज़ का, इतना कैश में पेमेंट किया है, बाकी बचा 400 इंटरेस्ट की अमाउंट एंड इसके लिए उसने क्या किया है, बाकी बची अमाउंट के साथ में 400 इंटरेस्ट की अमाउंट ऐड करके नया बिल उसने एक्सेप्ट किया है, 3 मंथ का बिल है ओके। तो चलिए इसकी वैल्यूएशन कितनी आएगी वो हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं ओके। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो कुछ भी हमें बिग से कितना पेमेंट रिसीव करना था टोटल कि भी 12,040 रुपीज़ ओके। यहाँ पे देखिए हमने बिग के अकाउंट में कितने डेबिट किए थे कि भी 12,040 रुपीज़ उससे पेमेंट रिसीव करना है, बाकी बची अमाउंट दूसरा हम क्या ऐड करेंगे, इंटरेस्ट की अमाउंट 400 रुपीज़ उसके लिए यहाँ पे हमने इंटरेस्ट की भी एंट्री पास आउट कर ली है कि भाई बिग का अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट ओके। इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है एंड हमें बिग से रिसीव करना है इसलिए उसका अकाउंट डेबिट किया है। तो टोटल बिग से कितना रिसीव करना है 12,440 रुपीज़, उसमें से बिग ने कितने कैश में पेमेंट कर दिए है 2,360 रुपीज़ ओके। तो अब नए बिल की कितनी अमाउंट मिलेगी कि भी 10,080 रुपीज़ की ओके। तो यहाँ पे बिल नया मिला है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बिग अकाउंट, बिग से रिसीव हुआ है ओके। उसने जो कुछ भी पेमेंट किया है बैंक अकाउंट डेबिट टू बिग अकाउंट 2,360 रुपीज़ ओके। तो चलिए ये एंट्री तो हमने नए वाला बिल रिसीव हुआ है उसकी हमने एंट्री पास आउट कर ली है। दूसरी हमको क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि भाई इस बिल को फर्स्ट ने अपने पास रखा है या फिर क्रेडिटर को एंडोर्स किया। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ने फिर से फर्स्टली अपने क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिया है इस बिल को जिसका नाम है थीन ओके। उसको कितना पेमेंट करना था कि भाई 10,200 रुपीज़ का पेमेंट करना था ओके। पर इस बिल की कितनी वैल्यूएशन थी, इस बिल की वैल्यूएशन थी नए वाले बिल की वैल्यूएशन 10,080 रुपीज़ की थी ओके। एंड उसको पेमेंट कितना करना था 10,200 रुपीज़ का ओके। तो इसमें से 10,080 रुपीज़ निकालेंगे तो फर्स्ट को कितना डिस्काउंट मिला है 120 रुपीज़ का ओके। तो चलिए हम थीन की बुक में कैसे एंट्री पास आउट करेंगे वो देखना है। थीन क्रेडिटर है, यहाँ पे देखिए थीन को बिल रिसीव हुआ है इसलिए उसने बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट किया है 10,080 रुपीज़ से ओके। एंड उसने डिस्काउंट अलाउड किया है, यहाँ पे थीन के लिए तो ये एक्सपेंस है इसलिए डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट डेबिट हुआ है 120 रुपीज़ से टू फर्स्ट अकाउंट। यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो कुछ भी पेमेंट रिसीव करना था वो हो चुका है, उससे पेमेंट सेटल हो चुका है इसलिए यहाँ पे फर्स्ट का अकाउंट क्लोज कर दिया है 10,200 रुपीज़ से ओके। चलिए ये इंटरेस्ट तो पास आउट हो चुके हैं, बाद में क्या हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते। तो यहाँ पे थिन ने इस बिल को डिस्काउंट करवाया है, उसकी बैंक है स्ट्रॉन्ग बैंक जिसका चार्ज लगा है 80 रुपीज़, डिस्काउंट का चार्ज है 80 रुपीज़ ओके। तो चलिए थिन की बुक में दूसरी एंट्री कौन से पास आउट करेंगे, बिल को डिस्काउंट करवाया है उसकी ओके। तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट कितना पे किया है 80 रुपीज़ का ओके एंड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट ओके। बिल्स रिसीवेबल इतनी कम हो जाएगी इसलिए यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट क्रेडिट किया है 10,080 रुपीज़ में से 80 रुपीज़ डिस्काउंट के निकालेंगे तो उसके बैंक अकाउंट में कितने डेबिट होंगे 10,000 रुपीज़ यहाँ पे उसके उसको मिला है ओके। तो इतनी बैंक बैलेंस इंक्रीज हुई है इसलिए 10,000 रुपीज़ डेबिट किए हैं ओके। चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बैंक के अकाउंट में हम इस बिल के बारे में हम कैसे एंट्रीज पास आउट करेंगे ओके। तो अब थिंस के रिगार्डिंग
दूसरे बिल के हम एंट्री पास आउट कर लेते हैं। बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट, कितने रुपीस का बिल है कि भाई 10,080 रुपीज़ का। ओके, इसमें से 80 रुपीज़ डिस्काउंट के कट करने के बाद में थिन की करंट अकाउंट में कितने रुपीज़ क्रेडिट किए हैं कि भाई 10,000 रुपीज़। ओके, तो इस तरह से ये दूसरे वाले बैंक बिल को डिस्काउंट करवाया है, उसकी एंट्री यहाँ पे बैंक के बुक में भी पास आउट कर ली है। ओके, चलिए बाद में क्या हुआ है मैच्योरिटी डेट पे कि भाई मैच्योरिटी डेट पे बिग इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है, बैंकरप्ट हो चुका है एंड उसकी एस्टेट में से केवल 20% ही पेमेंट रिसीव होगा। ओके, तो यहाँ पे मैच्योरिटी डेट पे बिल डिसऑनर हुआ है। तो सबसे पहले हम थिन की बुक में एंट्री पास आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए थिन की बुक में हम कैसे एंट्रीज पास आउट करेंगे वो देख लेते। तो यहाँ पे देखिए जब बिल रिसीव हुआ था तब फर्स्ट का अकाउंट क्रेडिट कर दिया था। ओके, एंड यहाँ पे जब मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट नहीं मिला है, ओके, तो यहाँ पे हम थिन को क्या करना पड़ेगा, फिर से फर्स्ट का अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। ओके, ओपन करना पड़ेगा, यहाँ पे फर्स्ट थिन का फिर से डेटर बन जाएगा 10,200 रुपीज़। ओके, केवल 10,080 रुपीज़ का बिल था तो यहाँ पे हम फर्स्ट के अकाउंट में 10,080 रुपीज़ नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए उसको पेमेंट तो टोटल 10,200 रुपीज़ का करना था, पर यहाँ उसने बिल दे दिया था, मैं इसलिए यहाँ पे पेमेंट सेटल करने के लिए 120 रुपीज़ का डिस्काउंट अलाउड किया था, पर उसको यहाँ पे बिल मिला था। ओके, पेमेंट की श्योरिटी मिली थी, पर मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट नहीं मिला है, इसलिए जो कुछ भी डिस्काउंट अलाउड किया था वो भी रिवर्स हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इसलिए फर्स्ट को फिर से 10,200 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, इन देखिए यहाँ पे थिन के पास तो मैच्योरिटी डेट पे बिल नहीं है। ओके, उसने तो डिस्काउंट करवा लिया था, इसलिए यहाँ पे 10,080 रुपीज़ बैंक को पेमेंट करने पड़ेंगे एंड 120 रुपीज़ जो कुछ भी डिस्काउंट अलाउड किया था वो रिवर्स हो जाएगा। ओके, तो टोटल फर्स्ट को कितना पेमेंट करना पड़ेगा 10,200 रुपीज़ का। ओके, बिल की अमाउंट प्लस डिस्काउंट जो कुछ भी अलाउड किया था वो रिवर्स हो जाएगा 120 रुपीज़ उसके। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बैंक के अकाउंट में कैसे एंट्रीज पास आउट करेंगे। यहाँ पे देखिए हमको नोटिंग चार्ज के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी हुई। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बिल्स डिस्काउंट के कितने रुपीज़ डेबिट किए थे कि भाई 10,080 रुपीज़, तो वही यहाँ पे हम पुट कर देंगे बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट में। ओके, एंड थिन के करंट अकाउंट में से कितने रुपीज़ कट कर देंगे कि भाई 10,080 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे थिन के अकाउंट में डेबिट कर दिए है 10,080 रुपीज़, किस चीज़ के है कि भाई बिल्स डिस्काउंट के। ओके, तो ये बात हुई थिन के बुक में, स्ट्रॉन्ग बैंक के बुक में। अब फर्स्ट के बुक में बिल डिसऑनर की एंट्री भी हमको पुट करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए जब फर्स्ट को बिल रिसीव हुआ था यहाँ पे, तब बिग का अकाउंट क्लोज कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था, यहाँ पे फिर से ओपन करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि उसको उससे फिर से पेमेंट रिसीव करना पड़ेगा। ओके, इसलिए उसकी एंट्री यहाँ पे डेबिट की है, बिग का अकाउंट डेबिट किया है कितने रुपीज़ का, 10,080 रुपीज़ का। ओके, यहाँ पे भी कुछ भी नोटिंग चार्ज बैंक ने भी पेमेंट नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं होगा। ओके, टू थिन अकाउंट, यहाँ पे देखिए टू थिन अकाउंट क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी फर्स्ट के पास बिल था वो थिन को एंडोर्स कर दिया, पर यहाँ थिन को तो मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट नहीं मिला है। ओके, इसलिए यहाँ पे थिन को भी पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो 10,080 रुपीज़, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि भाई बिग के पास 10,080 रुपीज़ लेके थिन को पेमेंट करेंगे। ओके, चलिए ये तो बिल डिसऑनर हुआ है, उसकी एंट्री पास की है, पर उसके एस्टेट में से 20% पेमेंट रिसीव होगा। ओके, तो टोटल 10,080 रुपीज़ बिग से रिसीव करने हैं, उसका 20% करेंगे। ओके, तो कितनी अमाउंट आएगी, 2,016 रुपीज़। ओके, इतने अमाउंट मिले है बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, इतनी हमारी बैंक बैलेंस इंक्रीज होगी, बाकी बची अमाउंट मतलब कि 80% अमाउंट बची है वो हम बैड डेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ये हमारे लॉस है। ओके, इसलिए हम इसको डेबिट कर रहे हैं 8,064 रुपीज़ से। ओके, एंड टोटल 10,080 रुपीज़ बिग अकाउंट यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है, इसलिए यहाँ पे हमने क्रेडिट किया है। ओके,
यहाँ पे, क्योंकि उससे जो कुछ भी पेमेंट रसू करना था वो सेटल हो चुका है। ओके, तो चलिए अब हम एक जनरल इंटरेस्ट के हेल्प से हम बिग का अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले वाली एंट्री हमने कौन सी पास आउट की है, बेल रसेबल अकाउंट डेबिट टू बिग अकाउंट। यहाँ पे बिग का अकाउंट क्रेडिट हुआ है 12,000 रुपीज़ से, तो हम क्या करेंगे कि भाई बिग के अकाउंट में 12,000 रुपीज़ पुट कर देंगे। ओके, किस चीज़ के है, कि भाई बिल्स रिसिवेबल के है। ओके, तो यहाँ पे बाय बिल रिसिवेबल अकाउंट 12,000 रुपीज़। ओके, जो कुछ भी एंट्री हम जनरल इंटरेस्ट में डेबिट करते हैं बिग के अकाउंट में, वो बिग के अकाउंट में डेबिट साइड पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए, बिग का अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो हम बिग के अकाउंट में क्रेडिट साइड इंफॉर्मेशन पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए, फिफ्थ वाली एंट्री, बिग के अकाउंट में डेबिट हुआ है 400, किस चीज़ के, इंटरेस्ट के। तो यहाँ पे देखिए, हमने बिग के अकाउंट में इंटरेस्ट के इंफॉर्मेशन पुट कर दी है डेबिट साइड। ओके, तो इस तरह से हम बिग का अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए अब दूसरी एक एंट्री, यहाँ पे हमको फर्स्ट वाली एंट्री पास आउट करनी है। हमको क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि भाई बिग को फर्स्ट को पेमेंट करना है 12,000 रुपीज़ का। ओके, तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट का बुक है इन बिग, उसके लिए डेटर है। ओके, तो डेटर की ओपनिंग बैलेंस हम डेबिट साइड पुट करते हैं। ओके, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है टू बैलेंस ब्रोट डाउन डेबिट साइड 12,000 रुपीज़। ओके, ये भी इतने रुपीज़ बिग से रिसीव करने हैं 12,000 रुपीज़। ओके, तो इस तरह से हम बिग हमने पूरा का पूरा बिग का अकाउंट प्रिपेयर कर लिया है। हम एक और भी एंट्री देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, लास्ट वाली एंट्री हमने यहाँ पे पास आउट की है, बैंक का अकाउंट डेबिट किया है, बेडेड अकाउंट डेबिट किया है टू बिग अकाउंट। ओके, तो टोटल बिग के अकाउंट में कितने क्रेडिट हुए, 10,080 रुपीज़, उसमें से बैंक अकाउंट के 2,016 रुपीज़ एंड बिग बेडेड अकाउंट के 8,064 रुपीज़। ओके, बिग का अकाउंट क्रेडिट हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम क्रेडिट साइड इंफॉर्मेशन पुट करेंगे। ओके, बैंक अकाउंट के 2,016 रुपीज़ एंड बेडेड अकाउंट के 8,064 रुपीज़। ओके, तो इस तरह से पूरा का पूरा बिग का अकाउंट भी प्रिपेयर हो चुका है। यहाँ पे देखिए, हमको केवल बिग का ही अकाउंट प्रिपेयर करना है। यहाँ पे फर्स्ट की बुक में जनरल एंट्रीज पास आउट नहीं करनी है। ओके, ये केवल यहाँ पे आपको समझने में इजी रहे, इसलिए मैंने यहाँ पे जनरल एंट्रीज पास आउट की है। ओके, तो यहाँ पे केवल बिग का अकाउंट प्रिपेयर करना है, ए स्ट्रॉन्ग बैंक की बुक में जनरल एंट्रीज पास आउट करनी है एंड थिन की बुक में भी जनरल एंट्रीज पास आउट करनी है। तो इस तरह से हम जून 2014 वाला सम सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको इसके अंदर कोई डाउट लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछना ना भूलें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।